सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे सर्च करना है संपर्क itgi.co.in। मैं आपको टाइप करके दिखा दूँ, SAMPARK.ITGI.co.in। इस पे सर्च करना है। उसके बाद दोस्तों फ्रंट पे आ जाएगा, अपनी साइट इज 102, इस पे क्लिक करना है। इस तरीके दोस्तों आपका एजेंट पोर्टल खुल जाएगा। तो इस पे आपको यूजर नेम, यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालना है। यूजर और आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपका इस तरीके से पेज खुलेगा। इस पे दोबारा आपको एक पासवर्ड डालना होता है, जो कि आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ोन नंबर पे ओटीपी जाता है। तो यहाँ पर आपको ओटीपी डालना है। देखिए दोस्तों आपको इस पे रीसेंट एसएमएस पे क्लिक करना है। रीसेंट एसएमएस पे क्लिक करने से आपके फोन पे एक ओटीपी जाएगा, जो कि मेरा ओटीपी है 3PQZ। दोस्तों आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। इस तरीके से दोस्तों आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। पॉलिसी बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है, ऑटो पॉलिसी पे। देखिए दोस्तों ऑटो पॉलिसी पे क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन खुल गए हैं। देखिए जैसे कि मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ, ऑटो पॉलिसी होम, ऑटो पॉलिसी लिस्ट, प्राइवेट कार, ई बाइक पॉलिसीज, टू व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल। दोस्तों इस तरीके से नीचे और भी ऑप्शन दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके बना सकते हैं। आगे चल के दोस्तों मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा कि 2 साल की और 3 साल की पॉलिसी किस तरीके से बनाई जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि टू व्हीलर की पैकेज पॉलिसी। तो दोस्तों आपको इस पे टू व्हीलर पे क्लिक करना है। देखिए मैं दोबारा जूम इन करके दिखाता हूँ, इस टू व्हीलर पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों फिर आपका ये पॉलिसी बनाने का पेज खुल जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आपको इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जब भी आप पॉलिसी बनाते हैं तो हमेशा आपको प्लस के निशान पे ध्यान देना है। जितनी भी हाईलाइट चीज़ हैं तो हर जगह आप कंफ्यूज ना हो, आराम से पॉलिसी में प्लस का निशान देखिए कहाँ पर है, उसके बाद आप पॉलिसी अंडरराइट करिए। दोस्तों देखिए इसमें प्लस का निशान दे रखा है, इस प्लस के निशान पे क्लिक करना है। तो जो भी हाईलाइट आपका ये फॉर्म था ये सारा ओपन हो जाएगा। देखिए मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से आपका ये पेज खुल जाएगा। नीचे देखिए, नीचे भी दे रखा है सारा। तो हम पहले स्टार्टिंग से ही करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको टाइप ऑफ पॉलिसी पे क्लिक करना है कि आपकी किस टाइप की पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी है। देखिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। देखिए दोस्तों इसमें 4 तरीके की पॉलिसियाँ दे रखी है, सॉरी 5 तरीके की। न्यू व्हीकल विदाउट एनसीबी, अदर कंपनी रिन्यूअल, एनसीबी ट्रांसफ़र, ऑन रिन्यूअल, ओल्ड व्हीकल एंड सेल। दोस्तों अगर आपकी पॉलिसी अदर कंपनी की रिन्यूअल है तो अदर कंपनी रिन्यूअल पे बना सकते हैं, और या फ्रेश केस है यानी कि अभी गाड़ी की इंस्पेक्शन हुई है तो आप ओल्ड व्हीकल इन सेल पे बनाएंगे। तो दोस्तों मैं आज आपको टू व्हीलर की पैकेज पॉलिसी बनाऊंगा, तो कोशिश है कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं यानी कि फ्रेश कैश की। तो आपको ये बनाना है फ्रेश कैश ओल्ड व्हीकल सेल ट्रांसफर पे। उसके बाद दोस्तों आपको ये ऑप्शन दूसरा फिल करना है, लास्ट नेम। दोस्तों एक चीज़ का और इस पर आपको गौर करना है कि जो इस पर क्लिक करना ही, इस बॉक्स पर क्लिक नहीं करना है, तो आप क्लिक करोगे तो ऑप्शन नहीं खुलेगा। दोस्तों आपको जो ये सर्च का ऑप्शन दे रखा है लास्ट नंबर, इस पर क्लिक करना है। तो फिर आपका
इस कस्टमर की डिटेल का ऑप्शन खुल जाएगा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा सिर्फ प्लस के निशान पे ही ध्यान दें। देखिए दोस्तों इस पे भी एक प्लस का निशान दे रखा है, आपको इस प्लस के निशान पे क्लिक करना है। तो देखिए इस तरीके से फिर आप कस्टमर की डिटेल का ऑप्शन खुल जाता है। दोस्तों जैसे कि लास्ट नेम मैं डाल देता हूँ राठौर, फर्स्ट नेम BHUSHAN। दोस्तों मैं ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, आपको अपनी RC में से देख के ही डालनी है। और एक चीज़ और जो आपको बहुत ध्यान देनी, जब भी आप सिस्टम के अंदर पॉलिसी अंडरराइट करते हैं तो कैप्स ऑन करके ही पॉलिसी बनाएं। इस तरीके से आपका ये जो सॉफ्टवेयर है आपका हैंग नहीं करेगा और पॉलिसी सही तरीके से जल्दी बन जाएगी। दोस्तों लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद दोस्तों कंपलसरी में है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर मैं भी डाल देता हूँ 99 करके। देखिए दोस्तों इसमें जितने भी स्टार हैं तो कंपलसरी वो सारे भरने ही हैं, अदरवाइज इसमें नहीं है वो भी कंपलसरी नहीं है। आगे चल के अगर कंपलसरी हुआ तो आपको बता दिया जाएगा। आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर यहाँ पर दोस्तों आपको एड्रेस डालना है। जैसे कि मैं एड्रेस डाल देता हूँ अपना, C543। नेक्स्ट, सॉरी ये एरर आ गया दोस्तों, मैं इस एरर को देख लेता हूँ। दोस्तों इसमें भी फिर आपको एक चीज देंगे, इसमें आपको पिन नंबर डालना है तो सर्च पे ही क्लिक करना है, ना कि इस बॉक्स के अंदर आपको पिन नंबर डालना है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फिर एक पिन का ऑप्शन खुल जाएगा, यानी कि जो आपका एड्रेस। दोस्तों इसमें फिर देखना आप कंफ्यूज ना होइए, इसमें अगर सर्च करेंगे तो आपको सर्च करने में काफ़ी वक्त लगेगा। तो इसमें भी ऑप्शन दे रखा है सर्च का, ये देखिए ऑप्शन यहाँ पर। तो इसमें आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इसमें सर्च करने के आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, जैसे कि विलेज / टाउन, टाउन कोड, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट नेम, सब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ऐसे कई और भी ऑप्शन हैं। दोस्तों सबसे बेस्ट और आसान तरीका है कि आप इसमें आप पिन कोड से ही सर्च करें। जैसे कि विकास फ्री का पिन कोड है, मैंने गूगल पर सर्च किया था तो 110018। तो दोस्तों देखिए हमें सर्च करना तो इस एरो के निशान पर जाके सर्च करना है। इस एरो के निशान पर हम सर्च करेंगे तो दोस्तों देखिए ये आ गया वेस्ट दिल्ली पटेल नगर। तो नीचे ऑप्शन दे रखा ओके का, तो हमें इस ओके के बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों देखिए जो हमें ये सारी डिटेल भरनी थी, पोस्ट ऑफिस ख्याला, सब डिस्ट्रिक्ट पटेल नगर, सिटी वेस्ट, स्टेट दिल्ली, तो इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने की ज़रूरत नहीं है, पिन नंबर डालते ही यानी पिन कोड डालते ही सारी डिटेल आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको GST नंबर अपडेट करना है। अगर आपको ऑफिस से GST नंबर मिला हुआ है तो आप यस करके आप GST नंबर फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको GST नंबर नहीं दे रखा है तो आप इसको नो ऑप्शन करके ये ऑटोमेटिक ही पॉलिसी पे GST नंबर आ जाता है। तो इस तरीके से आपको ओके के बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से आपकी कस्टमर की डिटेल फिल हो गई है। इसके वजह तीसरा स्टेप है कि आपका कोड, यानी इस बटन पे ब्रांच कोड पे आपको क्लिक करना है, सॉरी इसके बाद आपको एजेंट पे क्लिक करना है। तो बाई डिफॉल्ट ये आपका कोड ऑलरेडी इसमें फिल होता है, तो इस पर ओनली आपको ओके के बटन पे क्लिक करना है। और अब इसमें स्टार्ट करना है इंस्पेक्शन डेट, देखिए यानी कि पॉलिसी आप कब से स्टार्ट करें, यानी कि आज इंस्पेक्शन हुई है तो मैं कल से ही पॉलिसी स्टार्ट करूँगा।
तो ये 15 तारीख से स्टार्ट करूँगा, तो ये डन। देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक आ गया 15/12/2017 से 14/14/12/2018 तक पॉलिसी ये हो गई। इसके बाद दोस्तों ये फर्स्ट ऑप्शन क्लियर होगा। उसके बाद सर दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे देखिए दोस्तों एक तीन बॉक्स दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे रिस्क कवर, पेमेंट, मैं आपको दिखा देता हूँ, रिस्क कवर, पेमेंट प्लान, ड्यूरेशन, क्लेम, प्रीवियस पॉलिसी डिटेल, और आगे भी और भी ऑप्शन है तो आगे की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम अभी व्हीकल डिटेल डालेंगे। तो नीचे ही ऑप्शन दे रखा होता, देखिए ऊपर से मैं दोबारा रिपीट करा देता हूँ आपको। इस तरीके से नीचे आएंगे तो नीचे ही देखिए आपको ये व्हीकल डिटेल दे रखा है। तो दोस्तों फिर आपको इस पर प्लस के निशान पर क्लिक करना है। तो जो भी हाईलाइट था आपका ये दोबारा ओपन हो जाएगा व्हीकल डिटेल का। देखिए दोस्तों ये खुल गया आपका। तो मैं अभी डिटेल लाता हूँ, जैसे कि मेरा व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेट है, मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ, सॉरी, तो मेरा स्टेट है दिल्ली। तो आप डायरेक्ट दिल्ली भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी ढूंढ सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ डी एल, अच्छा न्यू दिल्ली। उसके बाद नीचे ऑप्शन दे रखा है इंजन नंबर, आपको आरसीबी से देख के डालना है, कम से कम 6 डिजिट डालने ही हैं इंजन नंबर। नेक्स्ट इन चेसी नंबर, चेसी नंबर के बाद व्हीकल नंबर, जैसे कि मैं डालता हूँ डी एल टैब 4S टैब डबल ए टैब ट्रिपल 4×1। तो इस तरीके से दोस्तों व्हीकल नंबर डालने के बाद आपको ये डालना है फर्स्ट रजिस्ट्रेशन डेट। तो इस फर्स्ट रजिस्ट्रेशन डेट पर क्लिक करने के बाद आपको, जैसे कि मेरे व्हीकल का मॉडल है 2012 और जनवरी की है 13, इसकी रजिस्ट्रेशन डेट है। तो इसके बाद नीचे वाले बॉक्स में डालना आपको ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 2012, यानी मेरी गाड़ी कब बनी थी। इसके नीचे दे रखा है यानी मैन्युफैक्चर, यानी गाड़ी आपकी किस कंपनी की है, जैसे कि मेरी हीरो होंडा की है। तो मैं हीरो होंडा की मेरी है सिटी डिलक्स, सी डी डिलक्स। देखिए ऑटोमेटिकली आ गया, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। और नीचे है टाइप ऑफ व्हीकल मोटरसाइकिल। दोस्तों देखिए मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ये सारे बॉक्स आपको फिल करने हैं। सबसे पहले डालना है आपको रजिस्ट्रेशन सिटी, यानी आपकी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ का है। सेकेंड बॉक्स में इंजन नंबर, थर्ड बॉक्स में चेसी नंबर, इसके नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका व्हीकल का नंबर है। उसके बाद दोस्तों आपको इस जगह पे ज़रूर मैच करना है कि आपका व्हीकल नंबर सही है या नहीं। कई बार क्या होता है बॉक्स में ऊपर नीचे हो जाता है, ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इस जगह आपको आके दोबारा देखना है कि मेरा गाड़ी नंबर सही है या नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको फिर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन डेट, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर 2012, मैन्युफैक्चर यानी कि मेरे व्हीकल कौन सा है, मैक कौन सा यानी कौन सी कंपनी की गाड़ी है, टाइप ऑफ पॉलिसी यानी कि कंप्रीहेंसिव यानी कि पैकेज पॉलिसी है, लास्ट में टू टाइप ऑफ व्हीकल यानी कि कौन सी टाइप की है। इसमें देखिए ऑप्शन दे रखे हैं तीन, तो मेरी ये मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों देखिए मैं दोबारा आपको ये जूम आउट कर देता हूँ। तो जैसे कि ये आपका था व्हीकल डिटेल। इस तरीके से देखिए सर राइट में आपको दे रखा है व्हीकल कवरेज, यानी कि आप अपने व्हीकल के अंदर पॉलिसी के अंदर क्या क्या कवरेज कस्टमर को देना चाहते हैं। तो दोस्तों फिर आपको इसमें प्लस के निशान पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से ये ऑप्शन खुल गए हैं। देखिए ऑटोमेटिकली इसने आईडीबी ले ली है 23,400 रुपये
और पे ड्राइवर के 50 रुपीज़ लाइबिलिटी इसमें ऐड है। तो दोस्तों फिर इसके अंदर आपको वैल्यू आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो भी अपने कस्टमर को बताई हो। जैसे कि मैं अपने व्हीकल की वैल्यू रखना चाहता हूँ 15,000, 1,000। तो ये अगर लास्ट ईयर पॉलिसी आप उसमें भी सर्च कर सकते हैं, या गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि गाड़ी की वैल्यू क्या आ रही है, और अदरवाइज सिस्टम भी आपको बता ही देता है। उसके बाद दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ है नॉमिनी नेम, जो कि हर अंडर राइटर मिसगाइड कर जाता है या भूल जाता है जो कि नए होते हैं। तो आपको इस प्लस के निशान पे क्लिक, पे ड्राइवर क्लिक करके नीचे की तरफ आना। देखिए ये प्लस का निशान हाईलाइट हो गया। देखो मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये प्लस का निशान हाईलाइट हो गया है। मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ। अदरवाइज़ हम ये जो यहाँ पर क्लिक है इसको हम नीचे कर देते हैं, तो देखिए ये हाईलाइट का ऑप्शन हट जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये हाईलाइट का ऑप्शन नहीं है। जब भी कभी आपको नॉमिनी नेम डालना है तो आपको पीए ओनर ड्राइवर पे ही क्लिक करना है, उसके बाद ही ये प्लस का निशान खुलेगा। इस प्लस के निशान खुलने के बाद इस पे नॉमिनी नेम डालना है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ, राकेश, राकेश रिलेशनशिप डालना है तो मैं इसमें डाल देता हूँ अनमैरिड ब्रदर। दोस्तों इस तरीके से आपकी पॉलिसी कंप्लीट होगी। 4 हिस्से हैं पॉलिसी के। पहले हिस्से के अंदर आपको कस्टमर की डिटेल और अपनी डिटेल डालनी है। दूसरे बॉक्स के अंदर जो देखिए ये वाला है, इसके अंदर व्हीकल की डिटेल डालनी है। जो तीसरा बॉक्स है ये वाला जो देखिए, तो इसके अंदर आपको व्हीकल की कवरेज डालनी है। लास्ट में ये चौथा बॉक्स नीचे आपको दे रखा है, इसके अंदर आपको नॉमिनी डालना है। उसके बाद दोस्तों आपको ये गेट प्रीमियम करना है। ये गेट प्रीमियम भी होगा नहीं, मैं फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ऑप्शन दिखाता है। देखिए हमने गेट प्रीमियम पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ये एरर दिखा रहा है, प्लीज़ इंटर ए वैल्यू इन द इंस्पेक्शन एजेंसी फाउंड अंडर द प्रीवियस पॉलिसी डिटेल। यानी कि प्रीवियस पॉलिसी के अंदर, क्योंकि हमारी ये ब्रेक केस है, ओल्ड व्हीकल में बनाए, तो हमें इसके अंदर इंस्पेक्शन की डिटेल डालनी है। तो इंस्पेक्शन डिटेल कार्ड डालेंगे हम, फिर दोबारा नीचे आएंगे। देखिए जो मैंने आपको ऑप्शन दिखाए थे, ये ऑप्शन जैसे कि रिस्क कवर, पेमेंट प्लान, डेविएशन, क्लेम, प्रीवियस पॉलिसी डिटेल, यानी प्रीवियस पॉलिसी के अंदर डिटेल के अंदर हमें जाना है। प्रीवियस पॉलिसी की डिटेल दोस्तों देखिए खुल जाएगी इस तरीके से बॉक्स। अगर आपके पास पुरानी पॉलिसी की डिटेल है तो आप इसको भर सकते हैं पूरा, अदरवाइज हम डायरेक्ट इसके अंदर इंस्पेक्शन की एजेंसी डालेंगे। यानी किसी भी कंपनी से आपने इंस्पेक्शन कराई हो, जैसे कि महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, इसके बाद इसमें आपको रेफरेंस नंबर डालना है जो भी आपको रिपोर्ट के अंदर हो, सॉरी दोस्तों मैं भी रॉन्ग रेफरेंस नंबर डाल देता हूँ। आपको अपनी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके अंदर फिल करना है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपका स्टेटस, आपकी गाड़ी का स्टेटस क्या है, रिकमेंड है तो ही बनाएं पॉलिसी। तीसरा ऑप्शन है इंस्पेक्शन डेट, यानी आपकी इंस्पेक्शन कब हुई है, यानी कि आज, मैं आपको आज की डेट डाल देता हूँ। दोस्तों देखिए इस तरीके से फिल कर रहे हैं। इस तरीके से फिल होने के बाद फिर आपको एक गेट प्रीमियम करना है। देखिए दोस्तों ये आपका गेट प्रीमियम हो गया है, यानी कि आपकी पॉलिसी बन चुकी है। देखिए दोस्तों मैं आपको प्रीमियम दिखा देता हूँ, मैं एक बार जूम इन करता हूँ प्रीमियम की तरफ। देखिए दोस्तों ये आपका टोटल प्रीमियम आ गया 1,080 रुपये, नेट प्रीमियम यानी कि टोटल प्रीमियम आया 1,284 रुपये, टोटल सम इंश्योर्ड यानी कि गाड़ी की वैल्यू 15,000, और भी डिटेल्स दे रखी हैं जैसे टीपी का 820 रुपये और भी चीज़ें। तो इस तरीके से आपको ये दोस्तों प्रीमियम जरूर देखने से पहले आप नेट प्रीमियम पेबल ज़रूर देखें। कई बार क्या होता है कि नेट प्रीमियम ऊपर की साइड शो करता है, कभी लास्ट में शो करता है, तो किसी इस तरीके से आप कस्टमर को गलत प्रीमियम भी बता सकते हैं। दोस्तों हमेशा आपको ये जरूर ध्यान देना कि आपको ये चीज़ देखनी है कि नेट प्रीमियम पेबल। दोस्तों इसके बाद हम इस पॉलिसी को सबमिट करेंगे।
देखिए दोस्तों, सबमिट करने के बाद फिर ऑप्शन दिखा रहा है। इसके बाद हमें आपको यहाँ पर दोबारा नीचे की तरफ आना है, जो कि नीचे वाली लाइन है, तो हमें इस पर डेविएशन शो करेगा, डेविएशन पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, इसमें डेविएशन दिखा रहा है कि जैसे कि मैंने IDV कम करी थी तो IDV का डेविएशन दिखा रहा है, और ये इंस्पेक्शन का एक डेविएशन दिखा रहा है, तो इस डेविएशन पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों मैंने तो वैल्यू कम ले रखी है क्योंकि सिर्फ आपको वीडियो बनाने के लिए दिखाया है, अदरवाइज जो सिस्टम वैल्यू ले आप उस हिसाब से ही वैल्यू लेना। देखो फिर मैं इसको ओके कर देता हूँ, यानी कि मेरे डेविएशन पे क्लिक करने के बाद फिर दोस्तों आपको पेमेंट प्लान पे जाना है। देखिए दोस्तों, पेमेंट प्लान पे आने के बाद फिर आपको प्लस के निशान पे देखना है, ये देखिए प्लस का निशान है, फिर आपको इस प्लस के निशान पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, ये मेरा नीचे ऑप्शन आ गया है कि पेमेंट 1285 रुपये, तो मैं इसमें पेमेंट करूँगा, तो इसमें डालना है पेमेंट मेथड, यानी कि पेमेंट आप किस तरीके से कर रहे हैं। तो दोस्तों कैश तो आप कर ही लेते हैं, मैं आपको चेक से करना बताता हूँ। जैसे कि मैं चेक पर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, दोस्तों देखिए चेक आ गया। उसके बाद इसमें आ रहा है कि चेक का क्या अमाउंट है, चेक का मेरा अमाउंट है 1285 रुपये। तो फिर मैं ऑप्शन नेक्स्ट आ गया अमाउंट, उसके बाद दोस्तों आपको ये तीसरे बॉक्स में डालना है कि आपका चेक के नंबर क्या है, जो कि चेक के अंदर सबसे नीचे लेफ्ट हैंड के अंदर दे रखा होता है 0008, ये मेरा चेक नंबर है। उसके बाद चेक, यानी कि चेक आपकी कौन से जगह का, यानी लोकल। तीसरा स्टेटस है आपका चेक की डेट, यानी चेक मैंने एक दिन पहले दिया था 13/12/2017। उसके बाद आपका बैंक कौन सा है, जैसे कि मेरा आपको अपने चेक में देखना है, जैसे कि मैं बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये लास्ट में दे रखा है ब्रांच में, जैसे कि मेरी दिल्ली ब्रांच है, मैं दिल्ली डाल देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से आपको डिटेल डालनी है। ऊपर का ये भी कई बार मिस्टेक से लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हो जाता है, आपको ज़रूर ध्यान देना है कि पेमेंट मेथड में ही चेक कैश डालना है। उसके बाद ये अमाउंट, फिर जो आपका पोर्टल ने अमाउंट लिया है, फिर चेक नंबर, फिर चेक का कैश रेसर लोकल है, फिर चेक की डेट, फिर चेक किस बैंक का है, फिर ब्रांच यानी कि दिल्ली। दोस्तों इस तरीके से ये सबमिट करने के बाद इस तरीके से दोस्तों देखिए आपकी पॉलिसी बन चुकी है। इस तरीके से आप करने के बाद सबमिट करेंगे तो ये अप्रूव